अस्सलाम वालेकुम वन क्लास, कैसे हैं बच्चों? आज हमारा ऑनलाइन क्लासेस का जो है वो लेक्चर नंबर 2 है। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में एडिशन सम्स किए थे। आज हम मज़ीद कुछ सम्स की जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। मेरे पास फर्स्ट है जी आपका सम 62, ठीक है? 62 मैंने लिखा। आपको पता है हम सबसे पहले जो है इसकी हेडिंग डालते हैं बच्चों, 1 10 की, ठीक है? ओ स्टैंड फॉर 1 सेंट, टी स्टैंड फॉर 10, ठीक है? और उसके नीचे हमने लिखा 62। इसमें हमने प्लस करना है जी 38 को, ठीक है? 38 ये हमने लिख दिया। अब हमने ना इसे सॉल्व करना है। कैरी वाले सम्स हमने स्टार्ट किए हुए थे, मैंने आपको बताया था हम इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे जी, लाइंस लगा के, ठीक है? यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम 2 लाइंस लगाएंगे, 1 2। नीचे 8 है तो हम यहाँ पे 8 लाइंस लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक हो गया? अब हम क्या करते थे, दोनों को काउंट करते थे, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे आप 1 10 की अगर हेडिंग डालें तो क्या करेंगे, जो इस 1 के नीचे होगा उसे हम लिखेंगे और जो 10 के नीचे होगा उसे हम कैरी में रखेंगे। तो 1 के नीचे क्या है, 0 है, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। और 10 के नीचे क्या है, 1, 1 हम कैरी में रखेंगे, ठीक हो गया जी? अब हमने 1 वाले को सॉल्व कर लिया, अब हमने 10 वाले को सॉल्व करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लाइंस लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? नीचे कितनी लाइंस लगाएंगे, 3, 1 2 3। अब काउंट करते हैं दोनों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6 और 3 कितना हो गया जी, 9। और वो जो हमने कैरी में रखा था 1, हम उसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 10, ठीक है? वो 10 हम लिख देंगे। मैंने आपको बताया था कि इस 1 को सॉल्व करने के बाद अगर आपके पास इसका जवाब आ जाता है 1 डिजिट में, ठीक है, तो आप उसे लिख देंगे। अगर आ जाता है 2 डिजिट में, यानी कि 9 के बाद 10 आ जाता है, 11 आ जाता है, 12 या कुछ भी आता है 2 डिजिट में, तो फिर आप क्या करेंगे, उसमें से 1 डिजिट जो है वो आप लिखेंगे। वो कौन सा लिखेंगे, वो जो 1 के नीचे होगा, और दूसरा डिजिट जो है वो आप जो 10 के नीचे होगा वो आप कैरी में रखेंगे, और कैरी फिर क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में जो है वो उसे ऐड कर देंगे, ठीक हो गया? बात समझ आ गई? अब देखें, मेरे पास नेक्स्ट सम है 74, ठीक है? 74 आपने कैसे लिखना होता है, 1 के नीचे आपने 4 लिखना है और 10 के नीचे आपने जो है वो 7 लिखना है, ठीक है बेटा? हम इसमें ऐड करेंगे 28, ठीक है? 28 हम ये ऐड करें, इसे सॉल्व करेंगे कैसे, 1 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे हमेशा, ठीक है? इसके लिए हम क्या करेंगे जी, 4 लाइंस लगाएंगे, 1 2 3 4, नीचे कितनी लगाएंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक हो गया जी? अब हम इन दोनों को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यूँ लिखा जाएगा 12, ठीक है जी? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 के नीचे क्या है, 2 है ना, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, और 10 के नीचे क्या है, 1, 1 हम क्या करेंगे कैरी में रखेंगे, हो गया जी? 1 सॉल्व हो गया। अब हमने 10 को सॉल्व करना है, इसके लिए हमने क्या करना है जी, यहाँ पे 7 लाइंस लगानी है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? नीचे कितनी लाइंस लगानी हमने, 2, 1 2, दोनों को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 और 2 कितना हो गया जी, 9, और कैरी वाला 1 वो जो हमने रखा था, ठीक है, वो लाजमी ऐड करेंगे, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, ठीक है? ये 10। अब आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे हमने, यहाँ भी तो हमारे पास जवाब जो है वो 2 डिजिट में आया है, यहाँ हमने क्यों लिख दिया है, जबकि पहले तो हम आपने ये कहा था कि अगर 2 डिजिट में जवाब आ जाए तो 1 लिखना है और 1 कैरी में रखना है, लेकिन यहाँ भी तो आपका जवाब जो है ना वो 2 डिजिट में आया था, फिर हमने 2 के 2 ही क्यों लिख दिए? इसका जवाब ये है बच्चों कि हमारा जो सम था, ठीक है, वो यहीं पे जाके ना एंड हो गया, यहीं पे ख़त्म हो गया। 1 10 की ही हेडिंग थी हमारे पास, आगे कुछ नहीं था। आगे अगर होता ना है वो
100 होता, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर इसका एक लिखते और नेक्स्ट वो कैरी में रखते। जो हम कैरी में रखते हैं ना, उसे नेक्स्ट स्टेप में ऐड करना होता है। इसका तो नेक्स्ट स्टेप था ही नहीं, इसलिए क्या किया हमने, उसका पूरे के पूरा जो जवाब आ रहा था वो लिख दिया। बात समझ आ गई जी। अब नेक्स्ट देखिए, मेरे पास है 69, ठीक है। हमने 110 के नीचे लिखा और उसमें हम ऐड करेंगे 22। इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे कैसे, ऊपर 9 लाइंस लगाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे 2। दोनों को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, सॉरी 10 और 1 11, ठीक है। 9 और 2 कितना हो गया, 11। 11 हम यू लिखेंगे 110 के नीचे, ठीक है। तो इसकी तो दोनों ही 1 है, एक 1 हम लिख देंगे और दूसरा 1 क्या करेंगे जी, वो कैरी में रख देंगे। हो गया जी, 1 वाला सॉल्व हो गया। अब हमने 10 वाले को सॉल्व करना है, इसके लिए क्या करेंगे जी, हम ऊपर 6 लाइंस लगाएंगे, ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 6। नीचे कितनी लाइंस, 2 1 2, ठीक है। दोनों को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 और 2 कितना हुआ, 8, और कैरी वाला 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, ठीक हो गया जी। आपने होमवर्क में करके आना है, 87 में आपने प्लस करना है 10 को, ठीक हो गया। और नेक्स्ट है आपने 40 में जो है वो प्लस करना है बेटा 93 को। होमवर्क आपने सैटरडे वाले दिन जो है वो स्कूल में आके सबमिट कराना है, और इसकी प्रैक्टिस करनी है एडिशन सम्स की, ठीक है, विद कैरी। अल्लाह हाफिज़।